गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर इन द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स. इन लास्ट क्लास वी हैव डन PPT थ्योरम, विच इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. रिमेंबर व्हाट वॉज दैट थ्योरम? इन दैट थ्योरम वी हैव प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल ए बी सी, if we draw a line which is parallel to one of its side, तो मैंने बी सी के पैरेलल साइड ली थी डी ई, रिमेंबर. और हमने ये प्रूफ किया था कि रेशियो ऑफ दीज साइड्स आर इक्वल. क्या प्रूफ किया था? दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2. आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं. सी इट्स फर्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन देर आर टू फिगर्स. डी ई इज पैरेलल टू बी सी. डी ई इज पैरेलल टू बी सी. फाइंड ई सी इन फर्स्ट. इस वाली फिगर में हमें ई सी फाइंड करना है. तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. तो चारों इन्फॉर्मेशन में से सिर्फ ई सी तो फाइंड करनी है, तो ये हमें नहीं पता है, ये हम निकाल लेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो आई एम राइटिंग हियर बाय BPT और थ्योरम 6.1 और थेल्स थ्योरम. We have AD upon DB is equal to AE upon EC. ठीक है बेटा, तो हमें क्या पता है? AD की वैल्यू पता है. What is AD? 1.5 सेंटीमीटर. DB 3 सेंटीमीटर. AE 1 सेंटीमीटर एंड EC वी नीड टू फाइंड. तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? सबकी यूनिट सेम है, वैल्यूज़ दी हुई हैं, रेशियो इक्वल आनी चाहिए, ई सी हमें फाइंड करना है. तो पहले अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, डेसिमल हटा के यहाँ पे जीरो आ जाएगा. सो 15 × 30, सो इट विल बिकम 1/2 इज इक्वल टू 1/EC. व्हाट विल बी योर ई सी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ई सी विल बी ई सी इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ई सी इधर चला जाएगा. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से द वैल्यू ऑफ ई सी इज 2 और यूनिट विल बी सेम, 2 सेंटीमीटर. सो ई सी हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर. सिमिलरली यू कैन डू द, दिस वॉज आर फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली यू कैन डू सेकेंड पार्ट इन द होमवर्क. कोई डिफिकल्टी नहीं है. देखो, इन सेकेंड पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट AD निकालना है आपको. DB दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, EC दिया हुआ है, सारी वैल्यूज पता है, सिर्फ AD फाइंड आउट करना है. सिमिलरली बाय BPT यू विल राइट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. AD जहाँ पर है उसको वहीं रहने देना, बाकी सारी वैल्यूज तो सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ AD. राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 2 आई एम रीडिंग फॉर यू. E and F are two points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR. इन तीनों conditions में हमें ये बताना है कि EF QR के parallel होगा या नहीं होगा. तो उससे पहले हम क्या करते हैं? Triangle draw करेंगे. We have to draw a triangle PQR. PQR, ठीक है, नेमिंग कर देते हैं PQR. क्वेश्चन में व्हाट एल्स इज गिवन टू यू? दैट नंबर 1 पार्ट. इन द क्वेश्चन ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR. ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली. तो ई एफ को ड्रॉ कर देते हैं. हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ई एफ इसके पैरेलल है या नहीं. प्रूफ भी नहीं करना है,
वी हैव टू शो कि होगा या नहीं होगा, राइट. तो फर्स्ट पार्ट से देख लेते हैं. पी ई इज गिवन टू यू 3.9, ई क्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. तो हमें करना क्या है, कन्वर्स ऑफ पीपीटी तो देखना है. कन्वर्स ऑफ पीपीटी, बीपीटी क्या कहता है कि अगर रेशोज इक्वल हैं तो ये लाइन पैरेलल होगी, राइट. इट मींस इफ पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, दिस प्रूव्स दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. ठीक है बेटा, वैल्यूज रख लेते हैं. पी ई कितना दिया हुआ है, 3.9. ओके, ई क्यू कितना दिया हुआ है, 3, कोई प्रॉब्लम. पी एफ इज 3.6, एफ आर इज 2.4. सॉल्व करके देख लेते हैं. इसको कैंसिल किया, इस डेसिमल से ये डेसिमल उड़ गया, फिनिश. 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9 एंड 3 10 30, सो इट इज 13/10. हेयर 3 के टेबल में 24 आता है, 3 के टेबल में 36 आता है, 3 1 3 3 2 6 और 3 8 24. ठीक है, अब इसको सॉल्व करें. और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 2 8, 4 3 12. तो अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, 3/2, बोथ आर नॉट इक्वल. 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2, देयरफोर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि रेशोज इक्वल नहीं है. या हम ये कह सकते हैं, इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट दैट ई एफ डज नॉट डिवाइड द पी क्यू एंड पी आर इन इक्वल रेशियो, इन द सेम रेशियो. Therefore, EF, जो मैं पहले लिख चुकी हूँ, is not parallel to QR. ठीक है बेटा, so फिर से देख लो, हमें ये सारी information given थी और ये दिया गया था कि E और F दो points हैं जो PQ और PR को E और F point पर intersect करते हैं. तो हमें ये शो करना है क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा. तो ई एफ पी आर के ई एफ क्यू आर के पैरेलल तभी हो सकता है जब ये रेशोज इक्वल आए. हमने रेशोज चेक की जो कि इक्वल नहीं थी, देयरफोर ये दोनों पॉइंट्स इसको इक्वल रेशो में डिवाइड नहीं करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. थर्ड क्वेश्चन इज ईजी, यू कैन डू ऑन योर ओन. सेकेंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट सेम तरीके से करने हैं, रेशोज फाइंड करनी है और प्रूव करना है और देखना है कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डीई इज गिवन पैरेलल टू एसी, डीएफ इज गिवन पैरेलल टू एई, और हमें ये प्रूव करना है कि पीएफ बीएफ अपॉन एफ E is equal to BE upon EC. That we need to prove. तो चलते हैं proof की तरफ. Solution करते हुए हम सबसे पहले triangle कौन सा लेते हैं, BCA, BCA और ABC जो भी है उसमें हमारे को क्या given है वो लिखना है. In triangle BCA we have what, क्या पता है हमें BCA में, हमें पता है कि जो DE है वो AC के पैरेलल है. डोंट फॉरगेट, DE AC के पैरेलल है. तो मैंने वही लिखा,
DE is parallel to AC. यहाँ तक हो गया, तो हम रीज़न क्या लिखेंगे? इट इज़ गिवन टू अस, ये हमें गिवन था. अब therefore by BPT क्या पता है हमें? सबको आता है. अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये रेशोज भी तो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? चलो मैं लिख रही हूँ आपके लिए, बी ई अपॉन ई सी. बी ई अपॉन ई सी किसके इक्वल होगा बेटा? बी डी अपॉन ए डी के. बी डी अपॉन ए डी के. बी डी अपॉन ए डी, बिकॉज अभी हमने क्या कहा, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो ये जो साइड्स होंगी इनके रेशोज इक्वल होंगे बाय बी पी टी. डोंट फॉरगेट. अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, बी ई ए. बी ई ए, बी ई ए, इसमें ये इसके पैरेलल है तो अकॉर्डिंगली लेंगे. इन ट्राइंगल बी ई ए, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के, तो इसमें भी रेशोज इक्वल होंगी. इसमें कौन सी रेशोज इक्वल होंगी? जो बी एफ अपॉन एफ ई है वो बी डी अपॉन ए डी या डी ए के इक्वल होगी रेशो. बी एफ अपॉन एफ ई बी डी अपॉन ए डी के इक्वल हो गई, ठीक है. तो अब ये हमने देख लिया बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बीपीटी, ठीक है. अब इसमें और इसमें देखो, राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई. यही प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव दिस ओनली, हैंस प्रूव्ड. इसको ऐसे लिखना, फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, एज वी हैव कौन सी वाली साइड? राइट हैंड साइड इक्वल, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं. तो हमने ये प्रूव कर दिया व्हाट वी नीड टू प्रूफ इन दिस क्वेश्चन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये फिगर गिवन है, ठीक है. इस फिगर में इट्स वेरी इजी, सिर्फ थोड़ा सा समझने का फेर है. डी ई, दिस इज डी ई विच इज पैरेलल टू ओ क्यू. सबको दिख गया? डी एफ, दिस इज पैरेलल टू ओ आर गिवन, और हमें प्रूफ ये करना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल आ जाए. सिंपल, फिर से वही, अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फॉलो होगी तो ई एफ पैरेलल होगा ही होगा क्यू आर के. ई एफ क्यू आर के कब पैरेलल होगा बेटा? जब ई पी अपॉन ई क्यू इक्वल आ जाए पी एफ एफ आर के अपॉन एफ आर के, ठीक है, वो आ जाएगा. क्योंकि ये जो बीच वाली लाइन है, आप ध्यान से देखो, पी क्यू ओ इस ट्राइंगल में ये रेशो कॉमन आ जाएगी, और ऐसे ही पी ओ आर में ये रेशो कॉमन आ जाएगी. क्यों? देखो, ई डी पैरेलल है ओ क्यू के, ई डी पैरेलल है ओ क्यू के इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी क्यू बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अब दूसरे ट्राइंगल में देखो, पी ओ आर इस ट्राइंगल में दिया हुआ है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, तो पी एफ अपॉन एफ आर किसके इक्वल आ जाएगा? पी डी अपॉन डी ओ के. दोनों ही केसेस में ये वाली साइड इक्वल आ जाएगी, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और जब रेशियोज इक्वल हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं ये बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी दिस इज इक्वल, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू व्हाट इज गिवन? ई डी इज पैरेलल टू
ओ क्यू, ये गिवन है. देयरफोर बाय बी पी टी वी हैव, व्हाट वी हैव, यस पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ. हो गया ना, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये फर्स्ट आ गया. नाउ इन ट्राइंगल, ये वाला पी ओ आर, इधर वाला ट्राइंगल ले लेंगे आप पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर वी हैव डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो इनकी भी रेशियोज इक्वल हो जाएंगी कि पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव वेरी इजी पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन व्हाट एफ आर. यही तो प्रूफ करना था, जब ये रेशोज इक्वल आ गई सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. जब रेशोज इक्वल होंगी तो ये साइड इसके पैरेलल होगी ही होगी. सी अगर ई पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा ही होगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी. बीपीटी का कन्वर्स यही तो कहता है कि अगर रेशोज इक्वल हैं तो जो गिवन साइड है वो पैरेलल होगी जो उसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. राइट, इट्स डन फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आई एम टेकिंग. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन डू योर सेल्फ बिकॉज उसमें जो क्वेश्चंस हैं विच आर सम हाउ बेस्ड ऑन नाइन्थ क्लास कंसेप्ट्स ऑल्सो. फिर भी अगर नहीं आता है तो आई विल हेल्प यू, क्योंकि सेवन्थ एट्थ में आपको बताया ही हुआ है कि वो नाइन्थ क्लास में ऑलरेडी आप वो कंसेप्ट पढ़ चुके हो. नहीं होता है तो आई विल टेल यू टुमारो एज वी आर हैविंग जूम क्लास. ठीक है, तो इसलिए मैं नाइन्थ टेंथ क्वेश्चन में से नाइन्थ ले रही हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं. राइट, इसमें क्या दिया हुआ है हमें कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसके डायगनल्स हैं ए सी और बी डी जो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमें ये प्रूफ करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी. इसको प्रूफ करने के लिए हमें बी पी टी का यूज़ करना है. बी पी टी यूज़ करने के लिए वो ऐसे तो होगी नहीं, हमें पैरेलल कोई एक साइड चाहिए. राइट, तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं. इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू डू कंस्ट्रक्शंस. सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं. व्हाट इज गिवन, अ ट्रेपेजियम, अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी. ठीक है, ये ट्रेपेजियम हमें गिवन है. इन विच और क्या गिवन है, डायगनल्स. इन विच ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. ये जो डायगनल्स हैं ये एक दूसरे को ओ पर कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो ये ओ पॉइंट है. ये गिवन है हमें, ट्रेपेजियम गिवन है और ये गिवन है. नाउ गिवन के बाद हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ का जो रेशियो है वो सी ओ अपॉन बी ओ के रेशियो के इक्वल है. ये प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन में पैरेलल लाइन खींची हमने ई एफ विच इज़ पैरेलल टू ए बी, विच इज़ पैरेलल टू ए बी. इन कंस्ट्रक्शन वी आर गोइंग टू राइट, सॉरी वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ई एफ
पैरेलल टू ए बी। अब एक चीज़ देखो आप, अगर मैंने ई एफ ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की है ए बी के, और सी डी ए बी के ऑलरेडी पैरेलल है, तो ये तीनों साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएंगी। पता है ना सबको ये बात, तो कि दो लाइन अगर पैरेलल है उनके बीच में अगर एक लाइन और पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो वो तीनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। सॉरी, ओके। अब ये जो ई एफ है ये ए डी को ई पर मीट करती है और बी सी को एफ पर मीट करती है। तो मैं पहले ट्राइंगल ले रही हूँ ए बी डी, ए ए बी डी ट्राइंगल, जिसमें हमारा ई ओ जो है वो पैरेलल होगा ए बी के पार्ट्स ऑफ पैरेलल से। अगर पूरी साइड पैरेलल होती है तो उसके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो प्रूफ करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ये हमारे पास है ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। देयरफोर ये पैरेलल है इसके, तो ओ डी अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी किसके इक्वल होगा, डी ई अपॉन ई ए के। ठीक है, फर्स्ट आ गया ये हमारा बाय बी पी टी। ठीक है ना, ये हो गया पैरेलल, सॉरी ये हो गया इक्वल। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं सी डी ए, सी डी ए, सी डी ए ऊपर वाला ट्राइंगल। अब ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है। इन ट्राइंगल सी डी ए वी हैव क्या, ई ई ओ, आपने सी डी ए लिया है तो ई ओ किसके पैरेलल होगा, सी डी के। ई ओ या ओ एफ कुछ भी लिख सकते हो आप, पैरेलल टू सी डी। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि सी ओ अपॉन ओ ए इक्वल आ जाएगा डी ई अपॉन ई ए के। ठीक है, आ गया। तो सेकंड से, ये भी बी पी टी से है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव व्हाट, डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए। और हमें प्रूफ क्या करना है, ओ ए अपॉन ओ बी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रूफ इन दैट ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी। कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफोर डायगनल्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर इन प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन, कि डायगनल जो होते हैं वो ट्रेपेजियम को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो। सो फॉर टुडे इन होमवर्क रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.2, ठीक है, ये आपको करना है रिमेनिंग क्वेश्चन। और कल हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे। आप सबको याद है कि पाइथागोरस थ्योरम है सिलेबस में, उसका कन्वर्स नहीं है सिलेबस में, इट इज़ ऑलरेडी कट डाउन। तो 6.3 एक्सरसाइज में काफ़ी सारी चीज़ें कट डाउन हो जाने वाली हैं, ये एक्सरसाइज आपको कम्प्लीटली करनी है, राइट। तो टिल देन बाय बाय, वी विल मीट टुमारो इन जूम क्लास। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, बाय बाय।